मथुरा में करणी सेना के द्वारा नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करते हुए शहर के औरंगाबाद क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल CAA की घोषणा किए जाने के बाद जहां भारत के कई जिलों में अराजकता फैल गई, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बिल का विरोध करते हुए कई जिलों में आंदोलन लगातार जारी हैं, लेकिन आज मथुरा जनपद में करणी सेना द्वारा नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करते हुए शहर के औरंगाबाद क्षेत्र स्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। रैली का आयोजन कर रहे करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता बिल CAA का वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जो लोग इस बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उन्हें जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा मुस्लिम पक्ष के लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बिल के लागू होने से किसी भी भारत के नागरिक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला, जबकि इस बिल से भारत के हर नागरिक को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन राजनीतिक दल के लोग भ्रामक प्रचार कर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते भारत के कई जिलों में दंगे हो चुके हैं और इन दंगों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करणी सेना द्वारा इस भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए घर घर जाकर लोगों को नागरिकता संशोधन बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस तरह से हो रहे दंगे फसाद से बचने के लिए नसीहत भी दी जाएगी। क्या नाम है सर? जय भवानी। मेरा नाम योगी ठाकुर है। मैं अध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश करणी सेना। बताएं आज क्या कुछ रहा है? देखिए, हमारे देश में BJP सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून CAA को जी पारित कर दिया गया है और इस कानून का करणी सेना पूरे उत्तर प्रदेश में वरन पूरे हिंदुस्तान में समर्थन कर रही है। दादा सूरजपाल अम्बू राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इसका समर्थन किया गया है और आज दिल्ली में भी हमारी एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा है इसके समर्थन में। उसी समर्थन में आज मथुरा इकाई द्वारा समर्थन का एक सांकेतिक रूप से की तो हमारी रैली पर यहाँ 144 धारा लगी हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन के अनुरोध पर हमने वो रैली रद्द करते हुए सांकेतिक समर्थन का हमने प्रोग्राम रखा। मैं ठाकुर विक्रम सिंह, जिलाध्यक्ष करणी सेना मथुरा। बताएं ठाकुर साहब, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? आज CAA को लेके आज हमने CAA के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, जो करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज CAA का समर्थन किया है। और जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, जो गलत अफवाह फैला रहे हैं कि मतलब जो है इनको मुसलमानों को कुछ ठेस पहुँचेगी या उनके खिलाफ हम जो है ऐसा कुछ कर रहे हैं, सरकार ने ऐसे गलत किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, केवल समझने की बात है, समझ नहीं पा रहे लोग। उसके समर्थन में हमने जो है आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने CAA का समर्थन किया है। और ऐसे जो लोग जो उपद्रवी हैं, अगर वो ऐसे कुछ घटना करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बस जो लोग भ्रमित हो रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों को ये हम जाके समझाएंगे, करणी सेना हमारी जो है पूरे घर घर जाके लोगों को समझाएगी, हम उन्हें समझाएंगे और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लोगों को हम समझाने का, हम समझा रहे हैं। इसीलिए आज हमने ये समर्थन रखा है, करणी सेना हमारा पूरा समर्थन कर रही है सरकार का, और ऐसी घटना या ऐसी अफवाह हम नहीं फैलाने देंगे हर हालत में कोई भी।